बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़ुलजलाल के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है अल्लाह ताला के बहुत अच्छे नाम हैं उसे उन्हीं नामों से पुकारा करो अल्लाह ताला ने तुरान मजीद में अपने असमाय हुस्ना के हवाले से दुआ करने का हुक्म फरमाया है शरीफ में अल्लाह ताला के अस्माय हसन की तादाद नन्यावे जिक्र फरमाई गई है और उनके मतलब रहमत आलमीन सल अल्लाही वसलम का इरशाद गरामी है जो शख्स इनको याद कर लेगा वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा अल्लाह का बाबरकत नाम जो शख्स अजम और यकीन की क़वत के लिए रोज़ाना एक हजार मरतबा पढ़े लाइलाज मरीज या अल्लाह का बाकसरत विरद करके शिफ़ा की दुआ मांगे इनशा शिफा होगी या रहमान बहुत रहम करने वाला जो शख्स हर नमाज के बाद सौ मरतबा या रहमान पढ़ेगा उसके दिल की सख्ती और गफलत दूर हो जाएगी या रहीम बड़ा मेहरबान रोज़ाना हर नमाज के बाद जो शख्स एक सौ मरतबा या रहीम का विद करेगा दुनियावी आफात से इनशाला महफूज रहेगा और मखलूक खुदा उस पर मेहरबान होगी या मालिकु हकीकी बादशाह बाद नमाज सुबह रोज़ाना कसरत से पढ़ने वाले को अल्लाह ताला गनी फरमा देंगे या कुदूस बुराइयों से पाक ज़ात जवाल के बाद रोज़ाना बकसरत विद करने वाले का दिल इनशा हर रूहानी मर से पाक हो जाएगा या सलाम बेऐबजात इस इसम का बकसरत वर्द करने वाला इनशा ताला तमाम आफतों से महफूज रहेगा एक सौ मरतबा इसको पढ़कर बीमार पर दम कर दें अल्लाह ताला उसे सेहत अदा फरमाएंगे या मोमिन ईमान अमन बख्शने वाला किसी खौफ के वक्त 630 सौ तीस मरतबा पढ़ने से इन शाला नुकसान और खौफ से महफूज रहेगा इसका पढ़ने वाला या इस इसम को लिखकर अपने पास रखने वाला अल्लाह की अमान में रहेगा या मोहिमिनु निगेबान बाद गुसल दो रकत नमाज पढ़कर सच्चे दिल से जो शख्स ये इसम एक मरतबा पढ़ ले अल्लाह तबारक वताल उसका जाहिर और बातिन पाक फरमा देंगे जो शख्स एक सौ मरतबा इस इसम का विद करे तो इन श्ला पोशीदा चीजों से मुतला हो जाएगा या अजीज़ो सब पर गालिब चालीस दिन तक चालीस मरतबा जो शख्स इस, इस इसम को पढ़ लेगा अल्लाह ताला उसे मुजिज़ और मुस्तना बना देंगे जो शख्स नमाज के बाद ये इसम इकतालीस मरतबा पढ़ता रहे वो इनशा किसी का मोहताज न होगा या जब बारो सबसे ज़बरदस्त जो शख्स चांदी की अंगूठी पर ये इसम नक्श करवाकर पहनेगा उसकी शौकत लोगों पर होगी जो शख्स रोज़ाना सुबह शाम दो सौ मरतबा इस इसम का विद करेगा इंशा अल्लाह जालिमों के कहर से महफूज रहेगा या मुतकबर बड़ाई और बजुर्गी वाला अगर कोई शख्स किसी काम के इब्तदा में ये इसम बकसरत पढ़े तो इन शह कामयाबी हासिल होगी बकसरत विरद रखने को अल्लाह ताला इज्जत और बड़ाई अता फरमाएंगे या खाले को पैदा करने वाला सात रोज मतवातर एक सौ मरतबा या खाले को पढ़ने वाला इन शह तमाम आफतों से बच जाएगा इस इसम का हमेशा विरद रखने वाले का चेहरा मुनवर रहता है या बारयू मसवरु जान डालने वाला सूरत देने वाला बांझ औरत अगर सात रोजे रखे और पानी से इफ्तार करके इकतालीस मरतबा या बारय मसवरु पढ़े तो इनशाला तला औलाद नसीब होगी या गफ्फारो दरगुजर करने वाला जो शख्स बाद नमाज असर रोजाना या गफ्फार पढ़े इनशा बख्शे हुए लोगों के जुमरे में होगा या कहारो सब को काबू करने वाला विद करने वाले के दिल से दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और खुदा की मोहब्बत उसके दिल में दाखिल होगी या वहाब, सब को अता करने वाला फ़िक्र फाक़े में गिरफ्तार शख्स या वहाबों का बकसरत कसरत कर ले या चाश्त की नमाज के बाद आखिरी सजदे में चालीस मरतबा पढ़ ले तो इन ताला फ़िक्र फाक़े से नजात मिल जाएगी अगर किसी आदमी को ख़ास हाजत दरपेश हो तो घर या मस्जिद या सेहन में तीन बार सजदा करके हाथ उठाए और एक सौ मरतबा ये इसम पढ़ ले इनशाला तला हाजत जरूर पूरी होगी या रजा को, सब को रोजी देने वाला नमाज फजर से पहले जो शख्स अपने मकान के चारों कोनों में दस दस मरतबा ये इसम पढ़कर दम करेगा उस घर में बीमारी मुफ़लिसी सी ना आएगी मुंह की तरफ करके दाएं कोने से शुरू करें या फत हो मुश्किल कुशा नमाज फजर के बाद सीने पर हाथ रखकर सत्तर मरतबा ये इसम पढ़ने से दिल ईमान के नूर से मुनवर हो जाता है या अलीमो वसी इल्म रखने वाला इस इसम के बकसरत विरद करने वाले पर अल्लाह तबारक व ताला वताल इल्मार्फत का दर कुशादा कर देते हैं या काबु रोज़ी तंग करने वाला रोटी के चार लुकमों पर लिखकर चालीस दिन मतवातर खाने वाला इन्श्ला भूख प्यास जख्म और दर्द वगैरह की तकलीफ से महफूज रहेगा या बासितु रोज़ी फ्राहम करने वाला चाश्त की नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर रोज़ाना दस मरतबा ये इसम पढ़कर मुंह पर हाथ फेर ले तो इन्शल्लाह ती ऐसा शख्स कभी किसी का मोहताज नहीं होगा या खाफिजू हो। पस्त करने वाला जो शख्स रोजाना पांच सौ मरतबा ये इसम पढ़ लेगा अल्लाह ताला उसकी मुरादें पूरी और मुश्किल दूर फरमा देंगे जो शख्स तीन रोजे रखे और चौथे दिन अलग जगह बैठकर ये इसम सत्तर मरतबा पढ़ ले तो इनशाला दुश्मनों पर फतेहयाब होगा या राफे हो। बुलंद करने वाला जो शख्स हर माह की चौदवी शब्द आधी रात के वक्त एक सौ मरतबा ये इसम पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे मखलूक से बेनियाजो मुस्तनी फरमा देंगे और तवंगर कर देंगे या मुआजो इज्जत देने वाला पीर या जुमे को बाद नमाज मकरब चालीस मरतबा जो शख्स ये इसम पढ़ता रहेगा तो अल्लाह ताला उसे लोगों में बाइज्जत और बावकार बना देंगे या मुजल्लु जिल्लत देने वाला जो शख्स पचहत्तर मरतबा या मुजुल्लु पढ़कर सजदे में जाकर दुआ करे तो अल्लाह ताला िमों हासिदों और दुश्मनों से उसे महफूज रखेंगे या समेयू सब कुछ सुनने वाला जुमेरात के दिन चाश्त की नमाज पढ़ने के बाद पाँच सौ या एक सौ पचास मरतबा ये इसम पढ़ेगा तो इनशाला उसकी दुआएं कबूल होंगी पढ़ने के दौरान किसी से बात न करे जो शख्स फजर की नमाज के फ़र्ज और सुन्नत के दरम्यान ये इसम एक सौ मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे खास नज़र से नवाजेंगे या बसीरु सब कुछ देखने वाला जो शख्स नमाज जुमा के बाद एक सौ मरतबा ये इसम पढ़ेगा तो ताला उसके दिल में नूर और आँखों में रोशनी पैदा होगी या हुक्म हाकिम मुतलिक आखिर शब में निनानवे मरतबा बावज़ू होकर पढ़ने वाले के दिल में इनशा तला उसका कलब कशफो अ्हाम का मरकज हो जाएगा या अदलो सरतापा इंसाफ जो शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात में रोटी के बेस टुकड़ों पर ये सब लिख कर खाएगा तो अल्लाह ताला उसके लिए मखलूक को मुसखर कर देंगे या लतीफ़ हो सरतापा लुत्फ करम एक सौ तैंतीस मरतबा रोजाना पढ़ने वाले के रिज में अल्लाह ताला बरकत डालेंगे और सब काम बखूबी पूरे होंगे फकरो फाका दुख मुसीबत और परेशानी में मुबतला शख्स किसी वक्त अच्छी तरह वजू करके दो जानो पढ़े तो दिल में मकसद का ख्याल रखकर एक सौ मरतबा पढ़े तो इन ताला कामयाबी होगी या खबीर आगा वर सात रोज तक जो शख्स बकसरत इस इसम का विद करेगा उस पर इन्शा तला पोशीदा ज़ाहिर होने लगेंगे या हलीमो बड़ा बुरदबार इस इसम को कागज पर लिखकर पानी से धोकर पानी जिस चीज पर छिड़का जाएगा खैर बरकत होगी या अजीम बहुत ही बजुर्ग इस इसम के बकसरत विरद करने वाले को इनशाला इज्जत ज्जत अजमत हासिल होगी या, बहुत या गफूर बहुत बख्शने वाला जो शख्स या गफ़ूर का बकसरत विरद करेगा अल्लाह तबारक वाला उसके माल और औलाद में बरकत देगा दुख तकलीफ और रंजो गम से दूर हो जाएंगे या शकुरो, कदरदान मुआशी तंगी दुख या तकलीफ में मुबतला शख्स अगर रोजाना इकतालीस मरतबा इस इसम को पढ़ेगा तो इनशाला उससे नजात पाएगा या अलिया बहुत बरतर बुलंद। इस इस इसम को जो आदमी हमेशा पढ़ता रहे और उसे लिखकर अपने पास रखे इनशाला तबारक वाल उसे रुतबे की बुलंदी खुशहाली और मकसद में कामयाबी हासिल होगी या कबीरो बहुत बड़ा अहदे से माजूल शख्स सात रोज़े रखे और रोजाना एक हज़ार मरतबा या कबीरू पढ़े इनशा ताली अहदे पर बहाल हो जाएगा या हफीज़ू सब का निगेबान, इस इसम का बकसरत वर्द करने और लिखकर अपने पास रखने वाला इनशाला हर किस्म के खौफ और ख़तरे से महफूज रहेगा या मुक्ई तोानाई बख्शने वाला हसूल मकसद के लिए खाली आबखोरे पर सात मरतबा या मुद पढ़कर दम कर दे फिर उस आबखोरे में पानी पिए इन शह मकसद हासिल होगा या हसीबो सबके लिए काफ़ी अगर किसी आदमी या चीज़ का डर हो तो जुमेरात से शुरू करके आठ रोज तक सुबह शाम सत्तर मरतबा हसब्हसीब पढ़े इनशा हर शय से महफूज रहेगा या जलीलु बुलंद मर्तबा, मुश्को जाफरान से या जलील लेकर अपने पास रखने और बकसरत या जलीलू का विरत रखे तो इन शह तला इज्जत अजमत और कदर मंजिलत हासिल होगी या करीम बहुत कर्म करने वाला रोज़ाना ये इसम पढ़ते पढ़ते अगर सो जाया करे तो उसे और साल में इज़्ज़त नसीब होगी या रकीबो बड़ा निगेबान जो शख्स रोज़ाना सात मरतबा या रकीबो पढ़कर अपने माल आलो औलाद पर दम कर दे और बकसरत उसका विरद रखे तो इन वो सब आफतों से महफूज रहेगा या मुजीब दुआ कबूल करने वाला जो शख्स कसरत के साथ ये इसम पढ़ेगा उसकी दुआई इनशा तारगा खुदाबंदी में कबूल होने लगेंगी या वासीओ गुंजाइश वाला अल्लाह ताला इस इसम को बकसरत पढ़ने वाले के लिए गनाए जाहिरी और बातनी के दर कुशादा फरमा देंगे या हकीमो बात की तह या शह की हकीकत जानने वाला जो शख्स बकसरत या हकीमो पढ़ा करे उस पर इनशा तलाकमत के दरवाजे खुल जाएंगे या वू बड़ा मोहब्बत करने वाला एक हजार मरतबा इस इसम को पढ़कर खाने पर दम कर दे और अपनी बीवी के साथ वो खाना खाए तो इनशाला मिया बीवी के दरमियान बाहमी रंजश मोहब्बत में बदल जाएगी या मुजी बहुत बजुर्ग अगर कोई शख्स किसी मूजी मर्ज जजाम आतशक वगैरह में मुबतरा है तो चांद की तेरह चौदह और पंद्रह तारीख को रोजा रखे इफ्तार के बाद या मुजीद ब पढ़कर पानी पर दम करके पानी पी ले तो इनशाला सेहत याब होगा या बायस हो मुर्दे जलाने वाला रोजाना रात को सोते वक्त सीने पर हाथ रखकर एक सौ मरतबा पढ़ने से ताला दिल इल्मो से भर जाएगा या शहीद हाजिर व नाजर नाफ़रमान बीवी या औलाद की पेशानी पर सुबह के वक्त हाथ रखकर 21 मरतबा या शहीदों पढ़कर दम करने से इनशाला वो फरमा बरदार हो जाएंगे या हक को बरहक चोकोर कागज के चारों कोनों पर या हक लिखे फिर शहर के वक्त कागज हथेली पर रखकर आसमान की तरफ बुलंद करे और दुआ करे तो इन श्ला गुमशुदा शख्स या सामान महफूज मिल जाएगा या वकीलो बड़ा कारसाज, किसी भी आसमानी आफत के वक्त या वकीलों का बकसरत वर्द इनशा हर आफत से महफूज रखेगा या कवियो क़ुवत का सरचश्मा जो शख्स वाकई मजलूम कमजोर और मगलूब हो वो ालिम दुश्मन की कुवत तोड़ने की नीयत से बकसरत इस इसम को पढ़े इनशा ताली उससे महफूज रहेगा या मतीनो, शदीद कुवत वाला या मतीनो कागज पर लिखकर पानी से धोकर बेदूध वाली औरत को पिलाएं तो इनशाला दूध बढ़ जाएगा या वलीयो हिमायती दोस्त जो शख्स अहल खाना की आदात और खसाइल से खुश ना हो वह जब उसके सामने जाए तो ये इसम पढ़ता रहे इनशा तला नेक खसलत हो जाएगी या हमीदो तारीफ के लायक पैंतालीस दिन मतवातर तन्हाई में तिरानवे मरतबा रोजाना या हमीदो पढ़ने वाले की बुरी आदात इशा तला छूट जाएंगी या माहियो दायरा शुमार में घेरे रखने वाला रोटी के बीस टुकड़ों पर रोजाना ये इसम पढ़कर अगर कोई शख्स खा ले तो इनशाला तखलूक खुदा उसकी मुसखर होगी या मुबद्ध पहली बार पैदा करने वाला हामला के पेट पर हाथ रखकर निन्यानवे मरतबा अगर पढ़ा जाए तो इनशा तला ना वो हमल साकित होगा और न वक्त से पहले बच्चा पैदा होगा या मोईदो दोबारा पैदा करने वाला गुमशुदा के लिए जब घर के सब अफराद सो जाएं तो घर के चारों कोनों में सत्तर मरतबा या मोईदों पढ़े इनशा तला सात रोज में आ जाएगा या पता चल जाएगा या मुहैयो जिंदा रखने वाला बीमार शख्स अगर बकसरत या मुहै का वर्द करे तो इनशाला उसे सेहत हो जाएगी जो कोई शख्स नन्यानवे बार पढ़कर अपने ऊपर दम करे तो हर तरह की कैदोबंद से इंशाला बचा रहेगा या मम मौत देने वाला जिस शख्स का नफ्स अपने काबू में ना हो वो सोते वक्त या मम तो पढ़ते पढ़ते सो जाए सीने पर हाथ रखकर पढ़े तो इनशाला नफ्स मोती हो जाएगा या है्यो दायमी जिंदा रहने वाला जो शख्स तीन हजार मरतबा या हयू का विरद रखे इनशाला वो कभी बीमार ना होगा या कयूम सबको थामने वाला इस इसम का बकसरत विरद रखने वाले की इनशाला लोगों में इज्जत और साख बढ़ेगी तन्हाई में इसका विरद रखने वाला खुशहाल हो जाएगा या वाजदो हर चीज पा लेने वाला खाने के वक्त इस इसम के वर्द से ग़ज़ा कलब की ताकत और कुत का बायस होगी या माजदू बुजुर्गी और बड़ाई वाला तन्हाई में ये इसम इस कदर पढ़ा जाए कि बेखुद हो जाए तो इनशाला कलब पर अनवारिया जाहिर होंगे या वाहिदुल वाहिदल एक या यकता एक हजार मरतबा या वाहिदुल अलाहद पढ़ने वाले के दिल से मखलूक की मोहब्बत व खौफ निकल जाएगा बे औलाद इस इसम को लिखकर पास रख ले तो इन्शा तला वो साहिब औलाद हो जाएगा या समद्दु बेन्याज़ शहर के वक्त सरबसजूद होकर एक सौ पच्चीस मरतबा ये इसम पढ़ने से इन्शल्ला जाहिर वातनी सच्चाई नसीब होगी बावजु शख्स या समद्दो का विरद रखने वाला इनशा मखलूक से बेनियाज हो जाएगा या कादिरु, गिरफ्त वाला या कुदरत वाला बरसर हक शख्स दो रकत नफल पढ़ने के बाद सिद् के दिल से एक सौ मरतबा या कादिरु पढ़े तो अल्लाह उसके दुश्मनों को जलीलो रसवा करेगा कोई दुश्वारी पेश आ जाए तो इकतालीस मरतबा या कादिर पढ़ने से इनशाला दूर हो जाएगी या मुक्तदर पूरी कुदरत वाला सोकर उठने पर बकसरत ये बीस मरतबा या मुक्तदिरु का विद करने से तमाम काम आसान हो जाएंगे या मुकदमों आगे बढ़ाने वाला हंगामे जंग या मुकदमों के बकसरत विद करने से इनशाला पेशकदमी की कवत हासिल होगी और दुश्मनों से हिफाजत होगी या मखरु पीछे हटाने वाला जो शख्स एक सौ मरतबा रोजाना पाबंदी से या मवखरु पढ़ेगा उसे अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा विरद से इनशा तोबा की तौफीक नसीब होगी या अव्वलु पहला जिसके हां औलादे नरीना ना होती हो वो चालीस यौम रोजाना चालीस मरतबा या अव्वलू पढ़े इनशाला मुराद पूरी होगी या आखिर सबके बाद रोजाना एक हजार मरतबा ये इसम पढ़ने वाले के दिल से गैरुल्ला की मोहब्बत निकल जाएगी या जाहिर आशकारा नमाज अशराक के बाद अगर कोई शख्स ये इसम पांच सौ मरतबा वर्द रखे तो अल्लाह पाक उसकी आंखों में रोशनी और दिल में नूर अता फरमाएंगे या बातिनु पौशीदा रोजाना तैतीस मरतबा या बातिनों का विद करने से बातनी इसरार मुनशिफ होने लगते हैं और पढ़ने वाले के दिल में नूर अता फरमाएंगे या वालियो मुतसर्रफ इस इसम का विद आफात नागहानी से बचाता है या मुत सबसे बुलंद बरतर इस इसम का विद करने वाले की इनशाला तमाम मुश्किलात दूर होंगी औरत अगर आयाम माहवारी में बकसरत इस इसम का विद रखे तो इनशा तकलीफ से महफूज रहेगी या बर्रो बेहतर सलूक करने वाला अगर कोई बदकार और शराबी शख्स रोज़ाना सात मरतबा पाबंदी से ये इसम पढ़ता रहे तो गुनाह और शराब की रगबत इनशा जल्द जाती रहेगी बच्चे की पैदाइश पर सात मरतबा ये इसम पढ़कर दम करने और उसको अल्लाह के सुपुर्द कर देने से बच्चा जवानी तक तमाम आफात से महफूज रहेगा इंशाला या तवाबु बहुत जल्द तौबा कबूल करने वाला नमाज चाश्त के बाद तीन सौ मरतबा इस इसम का विरद रखने वाले को इंशाला सच्ची तौबा नसीब होगी इस इसम के बकसरत विरद रखने वाले के इंशाला तमाम काम आसान हो जाएंगे या मुंतकीम बदला लेने की कुदरत रखने वाला बरसरे हक शख्स में बदला लेने की कुदरत ना हो तो तीन जुमे तक इस इसम का विद करे अल्लाह खुद उस जालिम से निमट लेंगे या अफू वो बहुत दरगुजर करने वाला इस इसम को कसरत से पढ़ने की वजह से इन पढ़ने वाले के तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे या राऊफ वो मेहरबान बकसरत इस इसम का विरद रखने से इनशल मखलूक उस पर मेहरबान होगी और ये मखलूक़ पर दस मरतबा दरूर शरीफ और दस मरतबा या रऊफ़ पढ़ने से गुस्सा रफ़ा हो जाता है मालिकुल मुल्क को कायनत का कुल मालिक जो शख्स हमेशा या मालिकुल मुल्क को पढ़ता रहेगा अल्लाह ताला उसको गनी और लोगों से बेनियाज़ कर देंगे वो शख्स किसी का मोहताज न रहेगा जुल जलाकराम जलाल और करम वाला इस इसम को बकसरत विरद रखने से अल्लाह ताला उसको इज्जत अजमत और मखलूक से इस तगना नसीब फरमा देंगे या मुख्सतो आदिलो मुनसिफ किसी खास और जायज़ मकसद के लिए सात मरतबाइ पढ़ने से ताला मक़सद हासिल होगा और जो शख्स रोज़ाना ये विरद करे वो शैतानी वसवसों से महफूज रहेगा या जामो बिखरे हुओं को यकजा करने वाला जिसके आजाओ अहबाब मुंतशिर हो गए हों वो चाश्त के वक्त गुसल करके मुंह आसमान की तरफ उठाकर दस मरतबा या जामो पढ़े और एक उंगली बंद कर ले इस तरह हर दस मरतबा एक एक उंगली बंद करता जाए आखिर में दोनों हाथ मुंह पर फेर ले इनशाला तला सब यकजा हो जाएंगे या गनीो बेनियाज रोजाना सत्तर मरतबा ये इसम पढ़ने वाले के आमाल में अल्लाह तला बरकत अता फरमाएंगे इन शाल किसी का मोहताज नहीं रहेगा या मकनीो बेनियाज कर अब्वलो आखिर ग्यारह मरतबा दरूद शरीफ और ग्यारह सौ मरतबा ये इसम बतौर वजीफ़ा सुबह या इशा की नमाज के बाद पढ़ने वाले को अल्लाह तनाए ज़ाहरी और बातनी अता फ़रमाएंगे या माने ओ रोक देने की ताकत रखने वाला मियाँ बीवी में नाचाकी हो तो बिस्तर पर लेटते वक्त बीस मरतबा ये इसम पढ़ लिया करें इनशा ताहमी उल्फत और मोहब्बत पैदा हो जाएगी पढ़ने वाला शर से महफूज रहेगा या नुकसान पहुंचाने की कुदरत रखने वाला शब जुमा में एक सौ मरतबा ये इसम पढ़ने वाला इन तमाम जाहरी और बातरी आफतों से महफूज रहेगा और उसे क़ुरबिला ही हासिल होगा या नाफे नफा पहुंचाने की कुदरत रखने वाला किसी भी काम के शुरू करते वक्त इकतालीस मरतबा या नाफे पढ़ने से काम इनशा तसब मंशा होगा किसी सवारी का सवार बकसरत इस इसम का विद रखे तो इनशाला हर आफत से महफूज रहेगा या नूर व नूर सरापा जो शख्स शब जुमा में सात मरतबा सुर नूर और एक हजार मरतबा ये इसम या नूर पढ़ा करेगा इनशा तिल अनबारही से मुनवर हो जाएगा या हा दियो राह रास्त दिखाने वाला हाथ उठाकर मुंह आसमान की तरफ करके जो शख्स इस इसम को बकसरत पढ़कर हाथ मुंह पर फेर ले तो उसको इन ताला कामिल हिदायत नसीब होगी और अहले मार्फत में शामिल होगा या बदीयो नमूने के बगैर इजाद करने वाला बावजू पढ़ते पढ़ते अगर सो जाए तो जिस काम का इरादा हो उसके मुतलक ख्वाब में मालूम हो जाएगा जिसको कोई गम मुसीबत और परेशानी पेश आए तो वो एक हजार मरतबा या बदी उस समावत अर्ज पढ़े तो इन शह तम और परेशानी से नजात नसीब होगी जो शख्स नमाज इशा के बाद बारह सौ मरतबा बारह दिन तक या बदयल अजायबल या बदी जिस मकसद के लिए भी बढ़ेगा इंशा अल्लाह तला वो काम अमल की मदद से पहले हल हो जाएगा या बाकी हमेशा हमेशा रहने वाला जुमे की रात को एक हजार मरतबा जो शख्स इस इसम या बाकीों का विद करेगा अल्लाह ताला उसे हर तरह के जरर और नुकसान से महफूज रखेंगे और इन शाला उसके तमाम नेक काम मकबूल होंगे या वारिस सबके बाद मौजूद रहने वाला लुए आफ्ताब के वक्त जो शख्स एक सौ मरतबा ये इसम पढ़ेगा हर किस्म के रंज और सख्ती से इन शहफूज रहेगा जो शख्स मगरब और इशा के दरमियान एक हजार मरतबा पढ़ेगा वो इन शह हर तरह की हैरानी और परेशानी से बचा रहेगा या रशीदो रास्ती नेकी पसंद करने वाला रोज़ाना इस इसम का एक हजार मरतबा वर्द रखने से तमाम मुश्किल दूर और कारोबार में तरक्की होगी और जिस शख्स को अपने किसी काम की कोई तरतीब समझ में न आती हो वो वह मकरशा के दरम्यान एक हजार मरतबा या रशीदू पढ़े या तो ख्वाब में कोई तरतीब मालूम हो जाएगी या दिल में उसका अलका हो जाएगा या सबूर तहमलो बर्दाश्त वाला तुलुए तो आफ्ताब से पहले अगर कोई शख्स एक सौ मरतबा ये इसम पढ़ेगा तो इन श्ला उस दिन हर मुसीबत से बचा रहेगा दुश्मनों और हासिदों की जुबानें बंद रहेंगी और अगर कोई शख्स किसी मुसीबत में फंस गया हो तो एक हजार मरतबा ये पढ़े इससे नजात हासिल हो जाएगी बेशक अल्लाह के लिए बेहतरीन नाम है सो इन्हीं नामों से उसको पुकारा करो